गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, है ना, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, है ना, एपी के सम एन टर्म का सम पढ़ रहे हैं। तो आज उसमें बच्चों स्पेशल क्या है, आज आपका स्पेशल क्या है, यूज ऑफ एन एपी इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एपी हमारा किस तरह से मदद करता है, और हम लोग वो सब क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में एपी हमारा किस तरह से मदद करता है, वो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सुने होंगे पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन, है ना, कि एक चोर भाग जाता है तो उसके पीछे पुलिस पकड़ता है, है ना, तो कितने टाइम में पुलिस चोर को पकड़ लेता है। तो बस वही क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन वो रहे कुछ और है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना पहले जरूरी है। क्या है क्वेश्चन? ए थीफ रन्स अवे फ्रॉम ए पुलिस स्टेशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक चोर पुलिस स्टेशन से भाग जाता है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। उसका स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म करने का मतलब हर मिनट सेम स्पीड कवर कर रहा है। हर मिनट क्या कर रहा है बच्चों? सेम स्पीड कर रहा है, 100 मीटर पर मिनट, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है? आफ्टर ए मिनट, यानी आफ्टर ए मिनट, एक मिनट के बाद, एक मिनट के बाद ए पुलिस स्टेशन रन्स बिहाइंड द थीफ। एक पुलिस स्टेशन, एक पुलिस स्टेशन कहते हैं, पुलिसमैन थीफ के पीछे दौड़ रहा है उसे पकड़ने के लिए। ही गोज एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। वो कितना का स्पीड कवर किया? 100 मीटर पर मिनट का इन फर्स्ट मिनट, एंड इंक्रीज हिज स्पीड 10 मीटर इन ईच सक्सेसिंग मिनट। अच्छा, जो पुलिस है वो सबसे पहले 100 मिनट गया एक मिनट में, फिर अगले मिनट में 110 मीटर, फिर अगले मिनट में 120, यानी कि हर मिनट वो अपना 10 मीटर स्पीड ऐड कर रहा है। हर मिनट क्या कर रहा है? वो 10 मीटर स्पीड क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। तो हर मिनट में 10 मीटर स्पीड ऐड कर रहा। तो एक तो ये हो गया ना बच्चों कि वो एपी में है, हर बार उसको 10 10 10 ऐड करना है। हर बार क्या करना है बच्चों? उसको 10 10 10 करके क्या करना है? ऐड करना है। तो ये हो गया आपका एपी में। अब क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट के बाद पुलिसमैन विल कैच द थीप। कितने मिनट के बाद पुलिसमैन थीप को पकड़ लेगा, चोर को पकड़ लेगा। तो क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, कि सर एक चोर दौड़ा है, उसका जो स्पीड है वो 100 मीटर पर मिनट है, है ना, उसके पीछे पुलिस दौड़ा है, एक मिनट के बाद दौड़ा है और उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो कितने डिस्टेंस में, कितने समय के बाद, कितने मिनट के बाद वो उसको पकड़ लेगा। क्वेश्चन क्लियर है? तो जनरली बच्चों जो चीज पूछा जाता है हम लोग उसी चीज को सपोज करते हैं, है ना। जनरली तो यही होता है कि जो चीज पूछा जाता है हम लोग उसी चीज को सपोज करते हैं। यहाँ भी वही होगा, है ना, कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन कैच द थीफ। तो हम लिखेंगे लेट द पुलिसमैन कैच द थीफ इन एन मिनट। कितने मिनट में बच्चों? एन मिनट में वो पकड़ लेता है। लेट द पुलिसमैन कैच द थीफ इन एन मिनट, यानी पुलिसमैन एन मिनट दौड़ करके उस चोर को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। तो चोर कितना देर दौड़ा बच्चों? चोर तो इससे एक मिनट ज्यादा दौड़ा ना, क्योंकि चोर जितना दौड़ा उससे एक मिनट ही कम दौड़ा है। हम इसको एक माने हैं एन मिनट, तो जाहिर सी बात है चोर उससे एक मिनट ज्यादा दौड़ा। क्यों एक मिनट ज्यादा दौड़ा? क्योंकि एक मिनट पहले वो भाग गया था। अगर ये 5 मिनट में पुलिस पकड़ रहा है चोर को, तो चोर 6 मिनट दौड़ा है। चोर कितने मिनट दौड़ा बच्चों? थीफ कितने मिनट रन किया? भी किया 6 मीटर। क्यों? क्योंकि पुलिस 1 मीटर बाद, 1 मिनट बाद दौड़ना स्टार्ट किया था। तो अगर पुलिस को एन मिनट लग रहा है, तो चोर कितना कितना ट्रेवल किया होगा? टाइम टेकन बाई थीफ ये कितना टाइम टेकन किया होगा बच्चों? एन प्लस 1 मिनट। कितना हो गया? एन प्लस 1। सबसे पहले ये बात आई समझ में, आप इजीली समझ सकते हैं ना, पुलिस को एक मिनट लग रहा है तो चोर को एन प्लस 1 मिनट। क्यों? क्योंकि पुलिस एक मिनट लेट दौड़ा था। ये नहीं कि अगर ये 6 मिनट तो ये 5 मिनट, ये 10 मिनट तो ये 9 मिनट। इससे एक मिनट हमेशा कम होगा पुलिस, इससे हमेशा एक मिनट कम होगा, क्योंकि चोर पहले भाग चुका था, इसलिए चोर ज्यादा समय तक दौड़ा, ज्यादा समय तक भागा। चलिए, तो ये हमारे पास क्लियर है कि जो चोर भागा था उससे एक मिनट के बाद पुलिस भागा, तो चोर भागा के एक मिनट के बाद पुलिस भागा। चोर भागा है यूनिफॉर्म स्पीड में, जो थीफ रन अवे किया है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उसका टाइम है इतना और स्पीड कितना है? स्पीड बच्चे का 100, बच्चा नहीं चोर, थीफ 100 मीटर पर मिनट। तो ये थीफ का डिस्टेंस होगा, थीफ का डिस्टेंस कितना होगा? जब बच्चों तो इधर डिस्टेंस कर दो क्या होगा? टाइम इनटू स्पीड हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? डायरेक्टली टाइम इनटू स्पीड होगा, कोई तो चेंजिंग होगा नहीं। तो आपके पास क्या होगा? 100 इनटू एन प्लस 1 मीटर, 100 इनटू क्या होगा? एन प्लस 1 मीटर। ये इतना चोर दौड़ा,
इतना ही क्या, चोर रन किया। अब पुलिस कितना रन किया बच्चों, तो पुलिस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पुलिस का थोड़ा सा स्ट्रैटेजी देख लेते हो किस तरह दौड़ रहा है। पुलिस का स्ट्रैटेजी है पहले मिनट में 100 मीटर, दूसरे मिनट में 10 मीटर, ईच सक्सेसिव मिनट बढ़ता है, इंक्रीज उसका स्पीड क्या बढ़ता है, हर मिनट में 10-10 मीटर बढ़ रहा है। तो दूसरे मिनट में 110 मीटर, तीसरे मिनट में 120 मीटर, चौथे मिनट में हर बार क्या कर रहा है 10 स्पीड बढ़ा रहा है, यही ना, मतलब इस तरह से वो जा रहा है। तो जब इस तरह जा रहा है तो एक चीज नोटिस करेंगे, अच्छा पहला में 100, दूसरा में 110, तीसरा में 120, चौथा में 130, यानी कि हर बार 10 ऐड हो रहा है, और हर बार 10 हो रहा है तो मतलब ये एक सीक्वेंस क्रिएट कर रहा है। और कैसा सीक्वेंस क्रिएट कर रहा है, तो सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा सीक्वेंस क्रिएट कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हर बार सेम टर्म ऐड हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है बच्चों, सेम टर्म ऐड हो रहा है। तो हम यहां पर मानेंगे ए का वैल्यू 100, बी का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 10, और कितना मिनट तक गया इसको हम एक सेकंड के लिए एन मिनट को भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एन मिनट का लिए क्या हो जाएगा, एन मिनट का तो निकालना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा पता नहीं, तो जो रेखा निकाले तो जो रेख निकाले तो वो सही निकाल रहे हैं, मतलब यूज कर रहे थे सही, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया आपका 100, बी का वैल्यू हो गया 10, एन मिनट का नहीं, एन मिनट तक दौड़ा, कितने मिनट तक दौड़ा बच्चों, एन मिनट दौड़ा। तो टोटल कितना रन किया, टोटल पुलिस कितना रन किया था, पहले मिनट में था, दूसरे मिनट में था, तीसरे मिनट में था, चौथे मिनट में था, यानी हम सबका सम निकालेंगे। टोटल रन पूछ रहा ना, तो टोटल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पुलिस द्वारा के पुलिसमैन डिस्टेंस, तो पुलिसमैन जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो रहा है, एक तरह से क्या सिनोट कर रहा है कि सर सभी काम को सम निकालना है और ये एपी में सम है, सभी काम को क्या निकालना है बच्चों, सम निकालना है, और ये सम क्या चीज बच्चों, एपी में है। तो इसका जो सम होगा एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, ठीक है। अच्छा इसका जो सम होगा एन बाई टू, तो एन का वैल्यू पता नहीं, ये हो गया आपके पास 200, फिर से एन का वैल्यू नहीं पता है, इंटू 10, यहां तक ही ले रहे बच्चों, यानी कि सबसे पहले चोर एन माइनस वन माइनस ले रहा है, इसका स्पीड 100 मीटर है, तो इसका डिस्टेंस 100 इंटू एन प्लस वन। पुलिस, पुलिस के बारे क्या था कि पुलिस हर बार 10-10 मीटर ऐड होता है, तो 10-10 मीटर ऐड होता है, तो नॉर्मल डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट होगा, ये डिस्टेंस कैलकुलेट होगा एपी के माध्यम से, ए यहाँ पे 100, डी 10, एन हमारा एन है यानी नंबर ऑफ टर्न कितने मिनट तक, तो एन, तो पुलिसमैन डिस्टेंस क्या हो जाएगा एस एन, इसको हम सम कर लेंगे सारा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो सम कर लेंगे। आपको तो एक लॉजिक काम कर रहा होगा कि अगर चोर पकड़ा गया, चोर कैच हो गया, पुलिस भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और चोर भी क्या कर रहा है बच्चों, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। दोनों पुलिस अगर चोर को पकड़ लिया तो पुलिस भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, चोर भी क्या कर रहा है बच्चों, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर हो गया। इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों आपस में बराबर, तो डिस्टेंस बराबर ले लेते हैं बच्चों, है ना। तो अगर डिस्टेंस बराबर ले लेते हैं तो आपका डिस्टेंस बराबर हो गया तो कितना हो गया आपके पास 100 n + 1 इज इक्वल टू n बाई टू, 100 प्लस ये 10 को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 10 n - 10, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है बच्चों, दोनों का डिस्टेंस बराबर हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना डिस्टेंस थिप ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया बच्चों, पुलिसमैन ट्रेवल किया है। तो 100 n + 1 इज इक्वल टू n बाई टू, 100 + 10 n - 10, चलिए ठीक है। अब इसको नॉर्मली सॉल्व, अच्छा 200 है ना यहाँ पे 200, अब इसको आपको नॉर्मली सॉल्व करना है बच्चों, नॉर्मली सॉल्व करके एन का क्या निकालना, वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 200 n + 1, अभी एन को नहीं आने देते हैं, 190 + 10 n, चलो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 200 n + 200 190 n + 10 n², तो ऐसा करते सारा चीज को उधर कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 10 n² है ना, 10 n² प्लस 190 n माइनस 200 n और माइनस 200, माइनस क्या होगा बच्चों 200, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे 10 n² माइनस 10 n माइनस 200। अगर हम 10 समय से कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा यहाँ पे n² - n - 20। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, है ना, एन स्क्वायर यानी कि 5n - 4n - 20 हाँ सही है, 0 = n। इसके बाद तो बच्चों सॉल्व ही था ना, इसके बाद तो आपका वैसे भी इजी हो गया, इसके बाद आपका वैसे भी क्या होगा बच्चों इजी हो गया, क्योंकि सिर्फ आपको सॉल्व करना था, क्या करना था आपको सॉल्व करना था, n यहाँ से
फोर माइनस फाइव तो क्या हो गया एन माइनस फाइव चूंकि हम लोग मिनट निकाल रहे तो भी वो हमारा आंसर नहीं होता। तो अभी हम बात करें मिनट की, तो यानी कि मिनट हमेशा हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा। मिनट हमारे पास क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा। तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा और हमारे पास क्या, हमारा n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5। तो ये तो पॉजिटिव कैंसिल हो गया ना बच्चों, ये कैंसिल हो गया क्योंकि हमारा नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता। तो इनका वैल्यू 5, यानी कि 5 मिनट पूरी दौड़ा है। कितना मिनट पूरी दौड़ा बच्चों, 5 मिनट पूरी दौड़ा है और 6 मिनट चोर दौड़ा है। अगर किसी बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा है तो n का वैल्यू 5 रखें यहाँ पे, है ना, n का वैल्यू 5 रखें तो कितना हो जाएगा 5 + 1 = 6, यानी कि 600 मीटर दौड़ा ये। पुलिस के यहाँ पे भी अलग जगह पे 5 रखे तो कितना हो जाएगा 5/2 = 200 और 4, यानी कि हमारे पास क्या हो गया 400, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारे पास n का वैल्यू 5 - 1 = 40 होगा ना, 240 और 12 × 5 = 600, इसका भी आंसर आ रहा है। यानी पुलिस डिस्टेंस और चोर डिस्टेंस दोनों क्या सेम है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, कॉन्सेप्ट यही था कि आपको क्या निकालना है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल करना है। आपका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि दोनों का क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल करना है। एक का डिस्टेंस काफी इजी तरीके से निकल जाएगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड में फॉलो कर रहा है, और दूसरे का डिस्टेंस हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, एपी का यूज लेना पड़ेगा। आई होप आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलिए इसको थोड़ा नोट डाउन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ए लैडर हैज 25 रंग्स। अच्छा, लैडर हैज 25 रंग्स, 25 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ पे रंग की बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों लैडर, लैडर मतलब तो सीढ़ी समझ रहे हो ना, और यहाँ पे क्या है ना, रंग कहने का मतलब किस तरह से आपको, हाँ रंग कहने का मतलब बैम्बू वाला जो देखिए बैम्बू वाला लैडर है ना, जो बैम्बू वाला लैडर बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज करते हैं, या फिर जो मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर की जगह पर जहाँ पे कृषि वगैरह होता है वहाँ पे भी यूज होता है, या फिर किसी पुराने घर में वगैरह यूज होता है ना, और या फिर जिसका छत पूरी तरह से बना नहीं है तो वो बैम्बू वाला लैडर यूज करते हैं, है ना। तो रंग्स क्या होता है उसमें हम समझते हैं, जिसमें हम लोग पैर रख करके ऊपर चढ़ते हैं, इस टाइप का जो सीढ़ी है बच्चों, ऐसे ऐसे में सीढ़ी होता है, इस पे जो पैर रख करके जो ऊपर चढ़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रंग्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रंग्स बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला है, ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा, ये जो है ना ये 25 सेंटीमीटर का गैप है, कितना गैप है 25 सेंटीमीटर का गैप है। अच्छा, रंग्स अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ ऑफ 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। अच्छा, यानी ये इस तरह से नहीं बन रहा, ये डिक्रीज हो रहा है, ये रंग्स है ना बच्चों, ये डिक्रीज हो रहा है। कहाँ से कहाँ डिक्रीज हो रहा है, 45 बॉटम पे है, वहां से आपको पहुंचता है 25 टॉप पे, 45 बॉटम पे है 25 टॉप, यानी कुछ इस तरह से 45 बॉटम पे हो गया, और उसके बाद ये गैप होते हुए यहाँ तक पहुंच रहा है, ये 25 सेंटीमीटर तक पहुंच रहा है, ठीक है। और पता करते हैं, इफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। अच्छा, इसके और इसके इन दोनों के बीच में 0.5 मीटर का गैप है, टोटल गैप क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच में 0.5 मीटर गैप है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। अच्छा, तो रंग्स के बनाने के लिए कितना वुड का जरूरत होगा, कितना बैम्बू या फिर कितना लकड़ी का जरूरत होगा, यानी हमें निकालना है कि ये मटेरियल प्लस ये मटेरियल प्लस ये मटेरियल प्लस ये, टोटल मटेरियल हमको पता करना है। हमको क्या करना है बच्चों, पता करना है टोटल मटेरियल, पता करना है कि टोटल कितना यूज होगा। तो टोटल कितना यूज होगा इसका मतलब ये तो पता चल गया ना कि आपको सम करने के लिए कह रहा है, टोटल कितना वुड यूज होगा इसका मतलब ये पता चल गया कि आपको सम करने के लिए कह रहा है, और ये भी पता चला कि डिक्रीज यूनिफॉर्मली मतलब सेम टर्म डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये भी पता चल गया कि आपका ये एपी में है, तो एपी में आपको सम करना है। तो एपी में सम करना है तो उसके लिए आपको ए पता करना पड़ेगा, डी पता करना पड़ेगा, एन पता करना पड़ेगा, ए पता करना पड़ेगा, डी पता करना पड़ेगा और एन पता करना पड़ेगा, है ना। इतना तो पता करना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ सकते, नहीं तो नहीं। तो चलिए पहले इसको फिगर को अच्छे से बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। फिगर को बना लेते हैं एक बार, ठीक है, बना लिए। अब कितना इसमें रंग्स है नहीं पता, लेकिन इसका इसका गैप 25 सेंटीमीटर है ना, और यहां से यहां तक इसका टोटल लेंथ 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर टोटल लेंथ है। अब यहाँ पे और स्टार्टिंग बॉटम में आपके पास है 45 सेंटीमीटर, यानी स्टार्ट होता है 45 सेंटीमीटर से और एंड होता है 25 सेंटीमीटर पे।
तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता करना पड़ेगा कितना रंग्स का यूज है यहाँ पे, कितना रंग्स का यूज है। तो कितना रंग्स का यूज है, टोटल गैप कितना, 2.5 मीटर। यहाँ पे हम नंबर ऑफ रंग्स लिखेंगे सबसे पहले। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ रंग्स, नंबर ऑफ रंग्स, नंबर ऑफ रंग्स। तो टोटल कितना गैप है बच्चों, 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर गैप है, यानी 2.5 मीटर, यानी कि 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर गैप हुआ ना। और एक का गैप कितना है, 25 सेंटीमीटर, एक का गैप 25 सेंटीमीटर, यानी टोटल कितना गैप है, 10 गैप है। बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं, कि यहां से लेकर के यहां तक 2.5 मीटर है। कितना मीटर है बच्चों, यानी 250 सेंटीमीटर लिखो ना, 2.5 मीटर या फिर 250 सेंटीमीटर। तो टोटल गैप है आपके पास 250 सेंटीमीटर का, एक गैप कितना क्रिएट कर रहा है, 25 सेंटीमीटर गैप क्रिएट कर रहा है। तो टोटल कितना गैप हो जाएगा, तो टोटल गैप हो जाएगा 250 / 25, यानी कि 10 गैप हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे 10 गैप, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, ऐसे ऐसे कितना गैप हो जाएगा बच्चों, 10 गैप हो जाएगा। तो रंग्स कितना होगा, तो रंग समझने के लिए एक बात समझिए। सबसे पहले मान लिया जाए कितना गैप है, कितना गैप है सर, एक दो तीन, तीन गैप है। कितना रंग है, यानी कितना पाई को यूज कर रहे हैं हम लोग, कितना स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, तो एक दो तीन चार, चार स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हैं, लेकिन गैप कितना बन रहा है, तीन। ये चीज ध्यान रखें, एक दो तीन चार, गैप कितना है सर, एक दो तीन चार पांच, गैप है पांच। कितना स्ट्रेट लाइन यूज हो रहा है, एक दो तीन चार पांच छह लाइन, छह यूज हो रहा है सर, है ना। यानी यहां से एक कॉन्सेप्ट समझे कि जितना गैप है उससे एक ज्यादा स्ट्रेट लाइन यूज होगा, जितना गैप है उससे एक ज्यादा हमें स्ट्रेट लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। तो गैप इसमें कितना है, एक दो तीन चार पांच, दस गैप था, 10 गैप तो हम इजीली निकालेंगे, टोटल 250 मीटर डिवाइड बाय 25 मीटर, तो हमारे पास 10 गैप आ गया। तो गैप 10 है, तो टोटल हमारे पास रंग्स कितना होगा, तो टोटल हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन है, वो कितना है, वर्टिकल लाइन है कि सर गैप में एक ज्यादा होता है वर्टिकल लाइन, तो ये जो रंग्स बनेगा ये हमेशा एक ज्यादा बनेगा, यानी कि जो हमारे पास रंग्स बनेगा, या फिर इसको आप ऐसे लिख लीजिए ना, पहले नंबर ऑफ रंग्स पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ गैप क्या लिखते हैं बच्चों, गैप 25 सेंटीमीटर, यानी हो गया 10 गैप। तो नंबर ऑफ रंग्स कितना हो गया, 10 + 1 11 रंग्स हो गया, है ना। एन का वैल्यू निकल गया आपके पास, एन का वैल्यू निकल गया। अब आपको एन का वैल्यू निकालना है, तो आपको सम निकालना है। तो एक बात बहुत ईजी है बच्चों, अगर आप चाहिए तो इसमें ए निकालिए। ए क्या होगा, आपको कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 45 से स्टार्ट हो रहा है, 25 तक जा रहा है ना। ए हो गया आपका 45 सेंटीमीटर, 45 से स्टार्ट हुआ है ना। ए हो गया बॉटम, कहाँ से स्टार्ट हुआ, डिक्रीजिंग फ्रॉम 45 सेंटीमीटर, तो कहाँ तक पहुंचा, 25 तक पहुंचा। तो 25 को हम लोग लास्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 हमारा लास्ट टर्म है, ए हमारा 45, अभी सेंटीमीटर को हटा दो, सेंटीमीटर यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, और एल हमारा 25 है। तो सम का एक सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या था आपके पास, ये फॉर्मूला भी तो कभी यूज कर लो, ये फॉर्मूला भी तो कभी यूज कर लो। तो आपके पास सम का जो फॉर्मूला है क्या हो गया, 11/2, क्योंकि n का वैल्यू तो 11 हो गया आपके पास, 11/2 और 45 + 25, 11/2 कितना हो जाएगा, 70, यही ना, 35 है ना। तो 375 मीटर, जो भी है मीटर में, तो मीटर में 375 आपके पास आंसर आ जाएगा, 375 बच्चा, 385 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सर, सेंटीमीटर वुड का रिक्वायरमेंट होगा, 385 सेंटीमीटर वुड का रिक्वायरमेंट होगा। आप चाहते तो ऐसे डी का वैल्यू निकालते, तो डी का वैल्यू निकालना, निकालने से कोई फायदा है नहीं यहाँ पे, क्योंकि जब फॉर्मूला है ही तो बना सकते हैं, है ना। डी का वैल्यू कैसे निकालते बच्चों, तो डी का वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, जैसे एल दिया हुआ है ना 25, इसको टी एन मानते, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन का वैल्यू 25, ए का वैल्यू 45, एन का वैल्यू 11 माइनस जी, तो यहाँ से डी निकल जाता है ना, डी कितना हो जाता था -20, 10 तो डी का वैल्यू -2 आ जाता है। तो चलिए डी का हमें कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ा, हम डायरेक्ट बिना विदाउट डी का यूज करते हुए इसको बना देंगे, है ना। तो आपके पास जो टोटल सम हो जाएगा बच्चों, वो आपके पास 385 सेंटीमीटर वुड आपको रिक्वायरमेंट होगा, 385 सेंटीमीटर वुड का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा इस लैडर को बनाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही था, है ना, कि वन हमें ऐड करना होगा, वन हमें क्या करना होगा बच्चों, ऐड करना होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और इसके पहले वाला भी जो क्या था बच्चों, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं, द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर्ड,
कंजक्टिवली फ्रॉम 1 to 49। अच्छा, हाउस ऑफ ए रो, यानी कि जो हाउस, एक रो में जो हाउस है ना, एक रो में जो क्या लिया है, हाउस है, वो सभी हाउस का नंबरिंग किया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 49 और कंजक्टिव में है। कंजक्टिव मतलब क्या है कि मतलब मान लिया जाए 1 2 3 एक घर बना हुआ है जहाँ नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 इस तरह से 49 तक क्या क्या आएगा बच्चों, नंबरिंग किया गया है। चलिए ठीक है, सो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ x। अच्छा, उसमें x ऐसा वैल्यू होगा सच दैट सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। अच्छा, x के पहले जो नंबर होगा उसका सम इज इक्वल टू, अच्छा वो बराबर होगा किसके, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउस फॉलोइंग इट, यानी उसके बाद, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले बच्चे इसको समझते हैं, कहां क्या रहा है कि आपके पास 49 हाउस है, आपके पास कितना बच्चों 49 हाउस है, यानी 1 से लेकर 49 तक नंबरिंग किया हुआ है। एक सेकंड के लिए आप ये समझ जाइए ना कि 1 से लेकर क्या क्या हुआ, 1 से लेकर 49 तक नंबरिंग किया हुआ है। तो 1 से 49 तक नंबरिंग किया हुआ है, 1 द हाउस नहीं देते हैं, हाउसेस आर, एवरी हाउस नंबर्स आर, क्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 49, ये क्या हुआ। सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना है, हाउस नंबर आर 1 2 3 4 5 6 49। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब क्या बोला गया, सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, इसके बीच में एक x होगा, x है, कैसे है x, खुदरा यहीं पर रहने दें, कैसे है x, x के बीच में एक x है, कैसे, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, x हाउस के प्रीसीडिंग जो है उस सबका जो सम है, यानी इससे पहले का जो सबका सम है, x के पहले जो भी हाउस है वो सबका सम है इज इक्वल टू, अच्छा इसका जो सम है वो इक्वल टू है किसके है, द सम ऑफ द हाउस फॉलोइंग, द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट, यानी फॉलोइंग मतलब इसके बाद। ये बात आई समझ में, यानी कि आप एक लाइन ये समझिए कि एक से लेकर के 49 तक टर्म दिया हुआ है, उसमें एक नंबर x ऐसा है जिसके पहले का सारा सम और उसके बाद का सारा सम आपस में बराबर है, जिसके पहले का सारा टर्म और बाद का आपस में टर्म आपस में बराबर है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का बच्चों वैल्यू क्या होगा, वो हमें x का वैल्यू निकालना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। एक बार फिर से कि x से लेकर 49 तक का टर्म का सम दिया हुआ है, बीच में एक x वैल्यू ऐसा इंस्टीट्यूट कर रहा है कि इससे पहले का सम और इसके बाद का सम आपस में बराबर है, तो वो x का वैल्यू क्या होगा। तो करना क्या है बच्चों, आप यहां तक सम निकालिए ना, यहां तक सम निकालिए और यहां तक सम निकालिए, काम खत्म, दोनों की कट कर दीजिए, x का वैल्यू आ गया। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो गया पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या करना है, पार्ट 1 में करना है, अच्छा एक बात बताओ, काउंटिंग नंबर में, ये तो काउंटिंग नंबर में है ना, यानी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे x होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे x माइनस 1 होगा, करंट हमारा x माइनस 1 होगा ना, इससे एक कम, कॉमन डिफरेंस इसमें है 1, कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों 1, सब में एक एक ऐड करने में पहुंच रहे हैं, तो इससे यहाँ पे पहुंचे होंगे, इसका मतलब इससे एक कम होगा यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे क्या होगा, इससे एक ज्यादा x प्लस 1, उससे ज्यादा होगा वहां पे x प्लस 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात को तो समझते जाना है कि हमारे पास ये भी टर्म निकल गया, ये भी टर्म निकल गया, क्योंकि एक का ही अंतर था, इससे पहले एक कम ये होगा, इससे ज्यादा ये होगा, तो यहाँ पे इसको सम करना है हमें x माइनस 1 टर्म तक, यहाँ तक सम करना, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, n का वैल्यू, अरे n क्या है, n तो पता नहीं, इन तो हमें पता नहीं है बच्चों, हमको बस ये करना है ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सम निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सम निकालना, तो वो n चाहिए ना हमें, तो n नहीं हो चाहिए, n चाहिए तभी हम काम कर पाएंगे, इतने काम कर पाएंगे, तो सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा, n क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है tn, th पर दिया हुआ है x माइनस 1 दिया हुआ है, tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 bd, x माइनस 1 a का वैल्यू 1, n का तो निकालना है, d का वैल्यू 1, x माइनस 1 यानी 1 प्लस n माइनस 1 हो गया, 1 1 कट गया, x माइनस 1 यानी n का वैल्यू आ गया बच्चों x माइनस 1, इसका n का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, n माइनस 1, n का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, x माइनस 1, तो अब इसका हम सम निकाल सकते हैं आसानी से, तो जल्दी सम निकालो इसका, तो सम क्या होता है n बाई 2 a प्लस n, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो
क्या जाएगा, n बाई टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू ए, ए क्या है वन, वन प्लस एक्स माइनस वन, तो आपके पास आ गया x माइनस वन डिवाइड बाई टू वन, वन का कैंसिल यानी x, यानी आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, या फिर इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, जब मल्टीप्लाई का जरूरत होगा तो हम करेंगे। तो इसका सम हमें बच्चों निकल गया, यहाँ तक का सम, पार्ट वन का सम हमें फाइंड आउट हो गया। अब हम पार्ट टू का सम करेंगे। पार्ट वन का सम समझने में किसी को दिक्कत, हमें यहाँ पे एन नहीं था, सबसे पहले एन निकाले थे, यहाँ पे हमारे पास एन नहीं था, सबसे पहले हम क्या निकाले थे, एन निकाले थे, उसके बाद क्या कर लिए, इसको सम कर लिए। अब हमें पार्ट टू का सम निकालना है बच्चों, अब हमें किसका निकालना है सम, पार्ट टू का। चलिए ठीक है, पार्ट टू में क्या है, एक्स प्लस वन से स्टार्ट हो गया, यानी अगला टर्म होगा एक्स प्लस टू डॉट डॉट 49, डॉट डॉट क्या होगा बच्चों 49। तो ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म एक्स प्लस वन, बी का वैल्यू एज यूजुअल वन, एन का वैल्यू फिर नहीं पता, एन का वैल्यू फिर नहीं पता, क्योंकि कितना टर्म होगा हमको थोड़ी पता है, यहां से स्टार्ट होगा यहां तक जा रहे हैं, कितना टर्म होगा हमें फिर से नहीं पता, तो फिर से हमें एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो अगर हम एन का वैल्यू निकाले तो फिर से वही फॉर्मूला यूज कीजिए, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन क्या आपके पास 49 है, ए का वैल्यू क्या आपके पास एक्स प्लस वन, एन का वैल्यू तो एन माइनस वन, एन तो निकालना ही है, और डी का वैल्यू वन, तो इसको वन ही रहने देते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से क्या आ गया आपको बच्चों 49 एक्स प्लस वन माइनस वन, तो कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस सेम हो जाइए, और एक्स को अगर इधर चला गया तो 49 माइनस सिक्स इक्वल टू एन, 49 माइनस सिक्स इक्वल टू एन आ गया। अच्छा अब इसे यहीं पे इसका अगर हम सम निकालते हैं, एस एन सम निकालते हैं क्योंकि एन तो निकल गया, तो अगर हम सम निकालते हैं, सम क्या होता है एन बाई टू 49 माइनस सिक्स, एन बाई टू ए प्लस एल, ए क्या है, ए क्या है ये, एल क्या है ये, ए प्लस एल, फॉर्मूला पुट किया ना, देखो 49 क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एल, एन की जगह पे ये था एन बाई टू, एक्स की जगह ए की जगह पे ये, एल की जगह पे ये, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 49 माइनस एक्स डिवाइड बाई टू एक्स प्लस 50 ऐसे निकल टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना है बच्चों, हमें दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो दोनों इक्वल ही बोला है। तो एक सम आपके पास ये आया और एक सम आपके पास ये आया, ये सम है आपका x के पहले वाला सम और ये है आपका x के फॉलोइंग सम, तो दोनों आपस में इक्वल है, तो क्वेश्चन में ही बोला है क्या है ये इक्वल, तो दोनों को जब हम इक्वल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपके पास आ गया x इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, है ना, x इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 50 डिवाइड बाई टू, अगर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ऐसा करो ना, टू से टू पहले कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 49 इंटू एक्स 49x 49 इंटू 50 50 इंटू 49 ही रहने देते इसको, और माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 50x नहीं माइनस 50x, है ना। यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 49 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस एक्स हो गया, यहाँ से ये 50 इंटू 49 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, 49 माइनस एक्स 50 माइनस एक्स हो जाएगा ना, तो माइनस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट। अब सारे टर्म को इधर ले आते हैं, सॉरी सिर्फ इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 50 इंटू 49, तो 2x स्क्वायर इजकल टू 50 इंटू 49। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, कोई ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं है, 2 से ये कट गया 25 बार में, हमको तो पता चल रहा था कि इसको कट रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किए। तो x का वैल्यू क्या आ गया 5 इंटू 7 आएगा, प्लस माइनस 5 इंटू 7 आएगा, क्या है प्लस माइनस 5 इंटू 7, लेकिन चूंकि यहाँ बच्चों नंबरिंग किया हुआ था, नंबरिंग कभी माइनस में नहीं होता, हाउस का नंबर क्या होता, हाउस का नंबर माइनस में ना होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ प्लस को कंसिडर करेंगे, किसको कंसिडर करेंगे बच्चों प्लस को, यानी x का वैल्यू आ गया 35, एक्स का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 35, यानी कि 35 एक ऐसा नंबर है कि 35 से पहले तक का सम, यानी कि 34 तक का सम और 36 से लेकर 49 तक का सम, दोनों आपस में क्या है बच्चों बराबर है, दोनों आपस में क्या बच्चों बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या आ गया 49 आ गया। आइयो क्वेश्चन के लिए है ना, आपको समझना क्या था, समझना सिर्फ था यहाँ पे भी एन का वैल्यू निकालना था और यहाँ पे भी क्या करना था, एन का ही वैल्यू निकालना था, एन पे ही ज्यादा फोकस करना था, बाकी आपको पता है इसका सम कैसे निकलता है, इसका सम कैसे निकलता है ना, सम निकालना तो आपको आता ही है, और सम में भी आपको ए और एल दिया हुआ ही है, ए और एल आपका दिया हुआ ही था, तो सिर्फ आपको एन निकालना था, तो एन निकाले उसके बाद दोनों को इक्वेट कर दिए, तो एक्स का वैल्यू आ गया 35। चलिए बच्चों चलिए आज के लिए इतना ही है ना, डिस्कशन में जो भी क्वेश्चन दिया होगा जल्दी से होमवर्क बना करके सेंड कीजिए।